वेलकम टू एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो है बीसीएस 012 बेसिक मैथमेटिक्स का। ये बीसीए रिवाइज्ड सिलेबस का अपना सब्जेक्ट है बीसीए 012। और ये क्वेश्चन पेपर पे काफी स्टूडेंट्स के हमारे पास ईमेल्स आए हुए थे, तो एक स्टूडेंट का ईमेल इस पेपर को लेके आया हुआ है कि उनको डिफिकल्टी हो रही है इन क्वेश्चंस में। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमने कुछ क्वेश्चंस ना इनमें से कवर किए हुए हों पुराने वीडियोस में, या वो बुक में कवर हुए हुए हों, तो उन क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चन पेपर्स में होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में वो आपकी प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी एंड सेम वीडियो मेंशन कर दूंगी, तो आप प्लीज उस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है जो क्वेश्चंस हमने नहीं कवर किए हैं उनको लेकर, आप प्लीज हमें ईमेल कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। और बाकी हमारे एंड से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर अपना मैथमेटिक्स का है, टाइम 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 का होता है। और जो ये पहला क्वेश्चन है ये आपका कंपल्सरी है, ये करना ही करना होता है पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में काफी सारे पार्ट इसमें आते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी, आज हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए कि आपने रिवीजन कर ली हो, प्रैक्टिस कर ली हो, तब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। क्योंकि अगर आपको किसी एक यूनिट का आइडिया ही नहीं है, अगर आपको ब्लॉक 4 का आइडिया नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, या अगर आपके पास पहले से ही उस ब्लॉक का आइडिया है तो आप उसको ट्राई कीजिए करने का, अदरवाइज नहीं है बिल्कुल भी आइडिया तो आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए और जो ब्लॉक्स आपने प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर के। ओके, सो अभी पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ए जिसमें आपको एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 5, 2, 3, 1, -1 एंड 1 एंड 1। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन हर एक पेपर में आता ही है। तो सबसे पहले तो हमें अगर प्रैक्टिस होगी ना तो हमें आइडिया होगा कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ना मैं अभी इस वीडियो में सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में जो डिटर्मिनेंट वाली प्लेलिस्ट है उसमें कवर किया हुआ है, एंड उसमें एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है जो बुक का क्वेश्चन है। ये बुक का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है पूरा, एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशंस उसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है, तो प्रॉपर सॉल्यूशंस आप वहां पर से ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट होता है किसी एलिमेंट को लेकर, क्योंकि इतना डिटेल में वहां पर ऑलरेडी चीजें बताई हुई है, तो आप प्लीज उसको रेफर कीजिए एक बारी। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है कि ये एलिमेंट कैसे आया है जॉइंट में, या ए इनवर्स ये नहीं आना था मेरा, या आपका कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो आप उसके लिए प्लीज मेल कीजिए। लेकिन वो क्वेश्चन और वो वीडियो गो थ्रू कीजिए जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है नीचे। सो मैं स्ट्रेट जल्दी बता देती हूँ कि पहले क्या करना होगा आपको इसके लिए क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, राइट? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, एक वैल्यू आएगी हमारे डिटर्मिनेंट की, देन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर वो नॉन जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट मेरा जीरो नहीं है तो हम कहते हैं ए इनवर्स, या कह लीजिए ए इनवर्स इज पॉसिबल, या कह लीजिए आप ए इज इनवर्टेबल, कि हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, राइट? तो हम वही सेम चीज यहां पर मेंशन कर देंगे कि ए इज इनवर्टेबल, ऐसा मेंशन करके, एंड फर्दर फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब को फैक्टर्स, एंड देन उसको एडजॉइंट ए बनाएंगे। एडजॉइंट ए के बाद हमारे पास एडजॉइंट ए की कुछ मैट्रिक्स आ गई, राइट? एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स आ जाएगी, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय ऑफ एडजॉइंट ए। अब आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक है? मेरी तरफ से यहां पर एक आपके लिए टिप है, जैसे मान लीजिए आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट थे कि ये क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूं, राइट? एंड वो क्वेश्चंस
वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपने कर लिए और आपके पास स्टिल आपके पास कुछ टाइम बचा है। आपके पास अगर टाइम बचा है तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिए। कैसे वेरीफाई कैसे करना होगा, मैंने जो वीडियो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन डाली है इसी के सॉल्यूशन की, उसमें वेरीफाई करना भी बताया हुआ है कि कैसे आप ए इनवर्स जो आया है ना उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई ए इनवर्स कब करेंगे आप, ये जब आपके पास टाइम बचा है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में बैठे हैं आप और आप एग्जाम कर रहे हैं और आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो जो आप कॉन्फिडेंट थे करने के लिए, तो आपने अटेम्प्ट किए, आपने प्रॉपर आंसर्स सीख किए एंड देन उसके बाद अब वेरीफाई कीजिए एक एक आंसर को सो दैट आप और कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है, राइट। देन इसका बी पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का बी पार्ट क्या है क्वेश्चन, इफ इसके लिए इतना ही, प्लीज आप वो वाली वीडियो गो थ्रू कीजिए अगर आपको स्टिल आपको कोई डाउट है। अगर डाउट नहीं भी है तो प्लीज आप मुझे स्टिल भी मेल कीजिए कि मैम यस मैंने दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैंने उसका सॉल्यूशन देखा और अभी मैं ऐसा एक और क्वेश्चन करने योग्य हूं, मेरे को क्लियर हो गया है कि कैसे करना है। ठीक है, हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट का बी पार्ट है, इफ सेवन टाइम्स सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11 टर्म ऑफ द एपी फाइंड इट्स 18th टर्म। हमें 18th टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब ए 18 हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को देखिए, सीधा क्वेश्चन है एपी का, पांच नंबर का है, तो ये दो क्वेश्चन अगर आप सीधे डायरेक्टली कर लेंगे ना तो 10 नंबर आपके पक्के हैं पूरे पूरे। इसलिए मैथ्स का एग्जाम बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, ब्लॉक को हर एक ब्लॉक को जो आप कवर कर रहे हैं, जो भी ब्लॉक्स आप अपने एंड पर कवर कर रहे हैं उनको ध्यान से कीजिए, हर एक टॉपिक को ध्यान से कीजिए। ठीक है, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि वीडियोस जिस टाइम आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उस टाइम आप अपनी दिमाग में टॉपिक को मेमोराइज कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं टॉपिक की, राइट। चलो A18 हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसके आगे। अब ये कह रहा है कि हमारे पास अगर सेवेंथ टाइम्स द सेवेंथ टर्म, जो एक टर्म है ना सेवेंथ टर्म, उसका सेवन टाइम्स होना इक्वल है 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म के। तो यहां सीधा सीधा कह रहा है ये सेवन टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, सेवेंथ टर्म से। सेवन टर्म कैसे लिखते हैं, A7, राइट। अब इज इक्वल्स टू, ये लाइन हमें क्लियर हो गई, इससे हमारे पास क्या मिली ऑफ एपी, एपी बनी है तभी मैंने यहां पर ए और सेवन लिखा है। अगर जीपी होते तो हम कुछ और करते, राइट, हम उसको जीपी की फॉर्म में लिखते। तो इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, 11 टाइम्स द 11 टर्म्स। अब हमारे पास एपी है तो उसकी फॉर्म क्या है, हमारे पास यही है कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 60, राइट, और इसको लिख देंगे 11 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। अभी हम क्यों कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि हमारे पास रिड्यूस होके क्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट के बी पार्ट के लिए हमने यहां पर जो हमारे पास गिवन है उसे वी हाफ करके मेंशन किया है। जो गिवन थी वो एक स्टेटमेंट है, उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में हमने यहां मेंशन किया है क्योंकि जो गिवन है उसी को हम सॉल्व करके फर्दर देखेंगे रिड्यूस होके क्या आता है एंड देन ए की 18th टर्म हमें जो फाइंड आउट करनी है उसको फिर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने इक्वल्स टू में इनको लिखा एंड आप देखोगे तो मैं भी धीरे धीरे रिड्यूस कर रही हूं, ए सेवन मतलब सेवेंथ टर्म इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस 60 एंड 11th टर्म को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस 10d। तो ये हो जाएगा ए प्लस 60 ए प्लस 10d एंड 11 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 11। ठीक है, 7a हो जाएगा ये प्लस 7, 6 42, हमने क्या किया डिवाइड, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके LHS आ गया इज इक्वल्स टू 11a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11a प्लस 11 इंटू 10 110d। तो ये मेरे पास आया। अब क्या करेंगे,
इक्वेशंस को एक साथ कर लेंगे, या तो लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट में ले आएंगे राइट साइड वालों को राइट, या लेफ्ट साइड वालों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सारे बड़े एलिमेंट्स हैं 11A जो कि 7A से बड़ा है, तो मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि माइनस का फिर कोई पंगा नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव हो जाएंगी, फिर भी नेगेटिव कॉमन लेके वो चीज हम कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, 7A को राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ, तो ये माइनस का 7A हो जाएगा, एंड 42D भी राइट हैंड साइड जा रहा है तो हो जाएगा माइनस का 42D इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या आया, जीरो आया, तो हमने इसको LHS साइड लिख लिया एंड इक्वल टू जीरो कर लिया, ठीक है, क्योंकि एक साइड कर लिया ना हमने सारे एलिमेंट्स को, तो इसलिए हमने एक साइड सारे एलिमेंट्स लिख लिए और साथ में इक्वल्स टू में जीरो कर लिया। नाउ अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब हम यहां पर कॉमन ले रहे हैं AA और DD, वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी 11A माइनस 7A कर सकते हो, तो 4A आएगा और 110D माइनस 42D हो जाएगा 68D। पॉजिटिव का साइन ही रहेगा क्योंकि 110 इज ग्रेटर देन द 42D, तो या तो मैंने कॉमन लेके दिखाया, आप कॉमन लेके भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है ये स्टेप इतना, आप सीधा 4A प्लस 68D लिखिए। आपको ध्यान रखना है कि साइन क्या आएगा, यहाँ पर साइन की वजह से मैंने ये चीज करी, आप कॉमन करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए ताकि कोई भी साइन की प्रॉब्लम ना हो। बचाने मैंने ये किया है कि ए की जो हमारे पास सारे अंदर ए है दोनों के लिए, वो कॉमन कर लेंगे ए करके, और जो इसके कोएफिशिएंट्स है 11 माइनस 7 ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, प्लस डी भी कॉमन कर लिया 110 माइनस 42 एंड ब्रैकेट में, ठीक है। देन अब क्या कर रही हूं मैं, 4A प्लस 68D। अब अगर आप देखोगे तो जब भी आपको कोई कॉमन आते हुए दिखेगी वैल्यू, जैसे कि अगर ये 4 है और ये 68 है, तो पहले मैं देखूंगी क्या 4 68 को डिवाइड कर लेगा, यस 17 टाइम्स 4 करेंगे तो 68 आता है, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया है, 4 कॉमन करके तो ये हो जाएगा सिर्फ A प्लस का 17D इज इक्वल टू जीरो। 4 राइट हैंड साइड चला जाएगा क्योंकि उसका कोई मान नहीं है, राइट साइड गया तो जीरो ही आएगा मेरे पास, तो ये जीरो ही है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड पे A प्लस 17D। अब अगर आप देखोगे ये कुछ 18th टर्म बन रहा है, अगर आप 18th टर्म को ऐसे लिखते हो तो हमारे पास फॉर्मूला में वो कैसे लिखा जाएगा, 18th टर्म जो होगी वो A प्लस एन माइनस 1D क्या बनेगा, A प्लस 17D। तो इसका मतलब हमारे पास जो 18 टर्म आई है वो जीरो आई है। तो यहां पर सीधा से कॉन्टेक्स्ट था कि आपके पास जो गिवन था उसको रिड्यूस करते हुए गए, हमने देखा कि क्या आया एंड देन फर्दर देखा तो वो 18 टर्म ही निकला विच इज जीरो। तो ऐसे करके हमने यहां मेंशन करी, देयरफॉर दिस इज द आंसर। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्वेश्चन पेपर का, फर्स्ट सी पार्ट है ये, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस शो दैट इमेजिनरी वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी एक रियल वैल्यू होगी, एक इमेजिनरी वैल्यू होगी, तब वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, राइट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाली प्लेलिस्ट को एक बारी प्रॉपर देखिए, पूरा कंप्लीट करके देखिए, तब आप हो सकता है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना, ये वाले से क्वेश्चन ना, इससे पहले जो हमने किया ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन स्टिल इसी के तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन एक और है जो गिवन है अपना प्लेलिस्ट के अंदर, उसी को मैं रेफर कर दूंगी सेम वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज आप वहां पर उसको रेफर कीजिए और उस वीडियो को प्ले कीजिए, क्योंकि वहां पर इक्वेशन सिर्फ जेड माइनस आई होगा लेकिन यहां पर क्या है, जेड माइनस 2i, ठीक है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इक्वल हो गया इसके, जेड के कॉम्प्लेक्स नंबर होने पे हमारे पास सच दैट हम कह रहे हैं ये ट्रू है, तो हमें शो करना है कि जो जेड की वैल्यू होगी ना वो जीरो होगी। जेड की कौन सी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी एक रियल वैल्यू होगी और एक इमेजिनरी वैल्यू होगी। यहां पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें शो करना है उसकी इमेजिनरी वैल्यू को, तो सबसे पहले हम जेड को ना लेट कर लेंगे, तो जेड को हम लेट करेंगे क्या होगा वो एक्स प्लस वाई आई, इमेजिनरी वैल्यू के लिए हमने वाई आई किया है एंड रियल वैल्यू हमारी एक्स हो गई, तो हमें फाइंड आउट करना है इसको सॉल्व करेंगे और जेड की वैल्यू पुट करने पर जो हम लेट करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज वो वाली वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर रही हूं इन्हीं क्वेश्चंस पर, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही है
बस आपको इससे पहला वाला, दूसरा वाला एंड थर्ड, तीनों के लिए मैं आपको वीडियोस रेफर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बाकी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया वी हैव दिस इज वी हैव गिवन। सो नाउ अब हम क्या करेंगे ना, z की वैल्यू लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें z की वैल्यू, जो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी इमेजिनरी वैल्यू जीरो शो करनी है। तो पहले z जो है एक वेरिएबल हमारे पास गिवन है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मतलब उसमें एक रियल वैल्यू होगी और एक इमेजिनरी वैल्यू होगी, राइट। तो मैंने यहां पर इसको लेट कर दिया x प्लस आई वाई, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हम इस z को ना पुट कर लेंगे, जो ये वैल्यू है इस इक्वेशन में गिवन। तो यहां पर मैंने इसको दोबारा फर्दर सेम लिखा ऊपर से नीचे, देन z की जगह पर x प्लस आई वाई लिख दिया, माइनस का 2i सेम एज इट इज रहा, सेम एज इट इज मैंने इसको वापस वैसे लिख लिया, एंड प्लस का 2i रहा। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर दो इमेजिनरी यहां पर वैल्यूज है, आई आई कॉमन के साथ करके हमारे पास आएगा वाई माइनस टू, तो मैंने कॉमन कर लिया इसे, सेम ऐसी वाई प्लस टू मैंने कॉमन कर लिया आई के साथ, तो वाई प्लस टू आया मेरे पास। तो ये हो गया इसका रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग मैंने बोथ साइड्स किया, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, अगर आपने कॉन्जुगेट वाला पार्ट पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी वीडियो आपको रेफर कर दूंगी, आप प्लीज उसको भी मेंशन करके जो भी गिवन है उसको देखिए और प्रॉपर्टीज एक बार ही रिवाइज कर लीजिए। तो जैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे, जो इसका मॉड है ना, ये हम जैसे ही हटाएंगे, तो अंदर जो इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं, सिर्फ इमेजिनरी आई को हटाकर, आई हटा देंगे हम यहां पर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इन दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि आई का भी स्क्वायर होगा, तो उस केस में हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी रूट में, जो कि हटके, एंड देन वो हमारे पास आई हट ही जाएगा एक तरीके से। तो यहां पर आपको क्या करना है, आई हटा के जैसे ही आपने मॉड का स्क्वायर किया ना, इसको एक्स स्क्वायर कर देना है, इसको वाई स्क्वायर, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर कर देना है। अब आपको यहां पर ये नहीं कहना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है मैडम, ये तो ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, नहीं। अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो जो ये मेरे कोएफिशिएंट्स है ना, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के, एक्स और वाई माइनस टू जो ये है, इनका ये मॉड है बेसिकली, ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये मॉड है। मॉड में, मॉड का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो पहली बात जो हमारे अंदर के प्रॉपर्टी फॉलो होगी इसमें, वो ये होगी कि इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा इंडिविजुअली। तो इसलिए मैंने इनको स्क्वायर करके लिखा है। मैंने इसका डिटेल्ड में बताया हुआ है कि कैसे ये अंदर से स्क्वायर हो रहा है, उसके लिए आप प्लीज कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो जरूर देखें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। अब मॉड नहीं है यहाँ पे, तो मॉड नहीं है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, किसका फॉर्मूला में बन जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, और ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आई, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल। अगर आप देखोगे तो अब या तो आप इसमें ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, वो भी चल जाएगा। लेकिन मैंने क्या लगाया, इसे मैं a मान रही हूं और b मान रही हूं, y माइनस टू ए है, y प्लस टू बी है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में यूज। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर मेरा ये a है, अगर आप देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो a मतलब y माइनस टू, बी मतलब y प्लस टू, दोनों के बीच में प्लस होगा, देन मल्टी ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। मैंने देखिए छोटे छोटों को सब में छोटा ब्रैकेट यूज किया है, एंड बड़ा ब्रैकेट, अगर साइन कुछ भी चेंज हो तो हम उसको सीधा सॉल्व कर सके। तो जाएगा वाई माइनस टू एंड वाई प्लस टू, बीच में क्या आएगा माइनस। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो माइनस टू माइनस प्लस टू कैंसिल हो रहा है, बीच में प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा इसका, सबका साइन एक जैसा रहेगा। माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे जीरो, और वाई फाइव प्लस होगा तो टू वाई मिला, तो ये हो जाएगा मेरा टू वाई, ठीक है, 2y हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे कि बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2, माइनस का 4 होगा प्लस, माइनस का 4 होगा, ये दोनों प्लस होंगे, लेकिन ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या मिला इससे, माइनस का 4, राइट। सो सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस 8 y आया। अब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है y के साथ, अगर वो राइट हैंड साइड हम लेके जाएंगे तो जीरो से कोई भी डिवाइड होगा नंबर, तो वो जीरो ही आएगा, इसका मतलब मेरा y क्या आया, जीरो आया। हेंस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने क्या लेट किया था उसको, हमने किया था जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और ये जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है तो मेरी वाई की वैल्यू क्या आई, जीरो आई, तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो ऐसे हमने इसको प्रूफ कर दिया। थैंक यू, अगली वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्वेश्चंस।